welcome you all in this session i hope you all are safe and you must enjoy your winter vacations now this is the first video after your winter vacations in, in the previous videos we were doing the chapter living organisms and their surroundings okay now and a very happy new year to all of you and it's a belated one but a very happy new year to all of you now we will start our topic that is living organisms and their surroundings. Okay, the first one is we were doing the part in which we have done the types of habitat, and then on types of habitat we have discussed about the terrestrial habitat and what were they? That is, deserts, mountains, forest. Okay, and that is grasslands. In that we have seen different organisms which work, which adapted to different surroundings.

ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स या आप किसी के घर पे एज अ गेस्ट जाते हैं तो उस गेस्ट के घर जैसे आप गेस्ट की तरह जाते हैं तो आप क्या करते हैं जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होते हैं दैट इज अ फिजिकल अडाप्टेशन सेकेंडली बिहेवियर में वो बेसिकली फ्रेंकी लोग हैं या फिर आपके एज ग्रुप्स हैं आप उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो दैट इज यूर अडाप्टन कि आप जहाँ जा रहे हैं कोई आ रहा है आपके अकॉर्डिंग आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं सो so, हमने क्या किया अपने आप को मॉडिफाई कर लिया दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज सो सेम वे लिविंग थिंग्स टाइट दे लिविंग ओके दिस इज बिकॉज स्पेशल फीचर्स इट हेल्प देम टू सरवाइव नाउ Same some examples where we can see adaptations in different organism. It can be plant. It can be animals. So in this video, we will see the adaptation of terrestrial animals, yeah, plants. Okay, the first terrestrial adaptation we will see over here is basically the elephant, which lives in the land, which lives on the land in the forest. It can be in the forest or it can be in the grassland. So first adaptation is it have a tusk tusk is a long white teeth that the elephant have okay so the long white teeth that the elephant have is your basically known as tusk or it is also known as ivory so what it does it helps in tearing off wood it helps in tearing of animals it helps in fighting it act as a tool to move things so basically tusk kya kar hai? fighting ke bhi help kar hai. it uh, as a tool a move bhi things ko and टीयरिंग में भी हेल्प करते हैं एनिमल्स की ओके नेक्स्ट वी हैव द एलिफेंट ट्रंक वॉट इज एलिफेंट ट्रंक ट्रंक क्या होते हैं हम कहते हैं हाथी की सो इट इट इन इन ड्रिंकिंग कैरिंग लॉग्स ऑफ वुड्स वुड को कैरी करने में हेल्प करता है सामान को कैरी करने में हेल्प करता है वाटर ड्रिंक करने में हेल्प करता है सो दिज आर द फंक्शन ऑफ ट्री ट्रंक सो एलिफेंट के पास प्रॉपर होल्डिंग के लिए हैंड्स नहीं है तो उसने क्या यूज किया ट्रंक यूज किया होल्डिंग के लिए नेक्स्ट इट है टेल जो स्वेपिंग मीन्स जब आप मॉस्किटोज आकर सेट करते हैं तो इट कैन मूव इट्स टेल पोशन वेन इट मूव इट्स टेल पोर्शन द एलिफेंट्स कैन मूव अवे द इंसेक्ट्स द थर्ड फोर्थ वन इज द एलिफेंट हैव अ लॉन्ग थिन इयर्स बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट्स के पास सो वॉट इट डू इज कि एलिफेंट्स क्या करते हैं आपने देखा जब एलिफेंट की बॉडी बहुत बड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है सो so, उस अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हुई है उसको कूल डाउन करना है उसको बाहर निकालना है सो so, जब भी एलिफेंट अपने ईयर्स को फ्लैप करता है मींस मूव कराता है तो बॉडी हीट को बाहर निकालता है वो ओके बाय फ्लैपिंग द ईयर्स द एलिफेंट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप फ्रॉम द बॉडी ओके द नेक्स्ट वन वी हैव द एलिफेंट फीट आपने देखा है एलिफेंट के जो फीट होते हैं जो एलिफेंट के जहाँ पे टोज होते हैं एलिफेंट के नेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है आपका वो बहुत मोटे होते हैं फ्लफी होते हैं वाई टू हैंडल द वेट ऑफ द एलिफेंट ये अपने पूरा बॉडी वेट एलिफेंट अपना उस फ्लफ़ी फ्लफी, -फ्लफी फीट्स पे कैरी कर सके ओके okay? थिन होंगे तो ऑब्वियसली एलिफेंट अपना वेट कैरी नहीं कर पाएगा वहीं पे गिर जाएगा सो टू कैरी इट्स वेट द एलिफेंट हैव अ थिन थिक फ्लफ़ी फीट Okay, so now how you have to do this in your notebook? Basically, you will just write in the center elephant and then do all the arrows that were indicating over here. Okay, now the next we have the tiger which lives in the forest area. Now, the adaptation that was done by tiger is the first one is your legs. You can see over here in the tiger. The first one, this leg portion, this leg portion is basically your longer back legs to aid in jumping. Tiger ke paas bahut badi legs hoti hain so that पीछे की legs बड़ी होती हैं ताकि वो easily jump कर सके, aid मतलब help करना। So tiger के पास बड़ी legs हैं ताकि वो jumping कर सके. Next, you can see the tiger have a broad nose. ब्रॉड नोज क्यों होती है टू स्मेल टू स्मेल द प्रिडेट प्रे टू स्मेल द प्रे एंड द प्रिडर ओके सो आप ज्यादा दूर तक हंटिंग करनी है आपको टाइगर को हंट करना होता है तो उसको स्मेल आनी चाहिए सो ब्रॉड नोज क्या करती है स्मेल को प्रोवाइड कराती है उसको स्मेल लेने में हेल्प करती है नेक्स्ट यू कैन सी इट हैव अ शार्प क्लॉज पंजे बहुत शार्प होते हैं टाइगर के क्यों ताकि इट कैन टीयर द फ्लैश प्रॉपरली या होल्ड कर सके किसी चीज को प्रॉपरली ओके तो लॉन्ग रिट्रैक्टेबल क्लॉज यूज टू ग्रैब एंड होल्ड प्रे नेक्स्ट इट हैव एन आइज दोनों साइड आइज है ताकि दोनों साइड का व्यू देख सके ओके, नेक्स्ट इट हैव है लूज बेली फेट ताकि जब वो हंटिंग करता है या प्रे किक करता है तो उसके स्टमक रीजन पे कोई हार्म ना हो नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू कैन सी जब फॉरेस्ट बहुत ड्राई हो जाते हैं तो उनका कलर मस्टर्ड येलो हो जाता है ओके okay, सो so, टाइगर का कलर भी मस्टर्ड येलो है इससे क्या होता है वो वहां पे इजिली हाइड कर सकता है अपना को छुपा सकता है बट जो बॉडी पे येलो ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं दिस वन ये क्या करते हैं हमें बताते हैं कि टाइगर है सो so, ये ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स ने एक अडेप्टेशन है कि हम टाइगर और फॉरेस्ट में कंफ्यूज ना हो क्योंकि दोनों का कलर सेम है कलर सेम क्यों है ताकि वो फॉरेस्ट uh, में अपना को सेव कर सके एंड ब्लैक क्यों है सो दैट हमें पता चल जाए कि टाइगर है फॉर हेल्प टू ब्रेक अप द बॉडी आउटलाइन इन द फॉरेस्ट और ग्रास मेकिंग इट हार्ड अ फॉर ब्रे टू सी द टाइगर सो आई होप अडेप्टन इन टाइगर एंड इन एलिफेंट इज क्लियर नाउ वी विल डू द नेक्स्टेशन दैट इज दमिल Now, Now just see the the adaptation in camel over here. Now the first one, आप सबको पता है यू मस्ट अ लॉन्ग हम्पी उठी हुई पीठ होती है क्यों दैट इज नोन एज हम्प सो दैट इट कैन स्टोर एक्स्ट्रा वॉटर इन इट ओके ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर स्टोर कर सके नाउ नेक्स्ट फैट इन हम प्राटर व्रेक डाउन अब इसके पास हम का मेन फंक्शन क्या है वाटर स्टोर करना है नेक्स्ट अब जो फर होती है डेजर्ट एरिया में भी फर होती है तो थिक फर एंड अंडर वूल प्रोवाइड्स वॉर्म दैट नाइट आपको पता है डेजर्ट एरिया क्या होता है रात को ठंडे होते हैं सुबह गर्म और दिन में गर्म होते हैं तो so, रात को ठंड से बचना है तो वॉट इट हैप दिंक फर ट इट्स फ्राम हीटिंग फ्रॉम कूलिंग ओके नेक्स्ट दे ड नॉट स्वेट वो बहुत ज्यादा स्वेट नहीं करते स्वेट मतलब पसीने कम आते हैं उन्हें वाई सो दैट अगर स्वेटिंग कम होगी तो वाटर लॉस कम होगा एंड वाटर लॉस कम होगा तो उनको वॉटर कम ड्रिंक करना पड़ेगा मतलब अगर वो आपको पता ही कैमिकल्स हमेशा वॉकिंग लोड्स ऑफ वॉर्ड्स उठाने में हेल्प करते हैं सामान उठाने में हेल्प करते हैं तो अल्टीमेटली कैसा मान उठाएंगे वॉक करना पड़ेगा एंड वॉक करेंगे तो वाटर ड्रिंक करना पड़ेगा बट डेजर्ट में तो वाटर इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता सो दो द वाटर इन द हम्प वाटर हम्प में शो करते हैं एंड वहीं पर उन्होंने एक अडाप्टन कर ली कि वो कम से कम बॉडी में से स्वेट बाहर निकालें ताकि वाटर कम से कम वेस्ट हो और ड्रिंकिंग कम से कम हो बट उन्हें जहाँ भी वाटर मिलता है वो ड्रिंक करते हैं नेक्स्ट उनका बॉडी टेम्परेचर फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस तक होल्ड कर सकता है नेक्स्ट वी हैव वो लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्स क्रिएट आउट करते हैं पानी स्ट्रो करके रखते हैं कम से क्रिएट आउट करते हैं एंड बॉडी में से यूरिन को कम से कम निकलते हैं बिकॉज यूरिन के थ्रू ज़्यादा से वाटर लॉस हो सकता है टू रिमूव टू रिड्यूस द वाटर लॉस दे रिमूव दे यूरिनेट लेस ओके नेक्स्ट दे हैव लॉन्ग लेग्स आपने देखा यहाँ पे लॉन्ग लेग्स है वाई दे हैव लॉन्ग लेग्स ताकि जो डेजर्ट की हीट है उन्हें डायरेक्टली बॉडी पे फील ना हो ओके नेक्स्ट दे हैव फीट टू स्प्रेड आउट वेट ऑन सैंड आपको पता है सैंड अगर पॉइंटेड स्टेप्स रखेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे तो चौड़े स्टेप्स होने से क्या होता है कि वो ईजली सैंड पे मूव कर जाते हैं ओके नेक्स्ट अ हार्ड फ्लैट एरिया ऑफ स्किन ऑन द स्टमक आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्लैट एरिया है यहाँ पे स्टमक पे क्यों है ताकि ऑन नीज प्रोटेक्ट रेस्टिंग ऑन ताकि वो नीज के ऊपर इसको करा सकें। ताकि उनकी बॉडी को हीट फील ना हो, होकेट होगा उससे तीस परसेंट बॉडी वेट का वाटर ड्रिंक कर सकते दैट मीन दो सौ लीटर वाटर वो थ्री मिनट्स में ड्रिंक कर सकते हैं नेक्स्ट दे हैव टू रोज ऑफ हैव टू रोज ऑफ लॉन्ग आईलैश एंड थिंस स्लिट नॉस्टल्स प्रोटेक्टिंग दैम फ्रॉम ब्लोइंग सैंड आपने देखा है कि कैमल की आइस के ऊपर बहुत बड़े लैशेज लगे होते हैं ताकि आइस के अंदर सैंड ना जाए ओके एंड नोस्टल्स छोटे छोटे होते हैं स्लिट ओपनिंग छोटी होती है सो दैट कि वहाँ पर अंदर सैंड ना जाए सो दैट वॉज द अडाप्टशन इन कैमल नाओ वी विल सी द अडाप्टन इन कैंग्रू रैट नाव रैट है तो ऑब्वियसली रैट की तरह बिहेव करेगा अब रैट की तरह बिहेव करेगा तो अल्टीमेटली रैट के जैसा कलर भी होगा सो दे कलरिंग हेल्प्स देम टू ब्लेंड इन टू दे हैबिटेट विच दे ऑफन डू वेन दे आर नॉट एबल टू लीप अवे टू सेफ्टी मतलब सेफ्टी के टाइम पे इनका कलर एक तरह का अडाप्टेशन हो गया ताकि वो वहाँ पे छुप सकें नेक्स्ट कैंग्रो रेड के स्मॉल फीड्स हैं ताकि वो फूड को हैंडल कर सकें और शार्प क्लोज हैं ताकि सॉयल के अंदर चले जाएँ शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं सो so दैट वो किसी भी चीज को खोद सके या कुर सके जैसे हम बोलते हैं बेसिकली हैव लार्ज बैक फीट फॉर लीपिंग क्विकली अवे फ्रॉम प्रीडेटर्स बैक बहुत बड़ी होती है ताकि वो बाहर फिसल जाए दिस इज कॉल्ड सोल्टेटरी लोकोमोशन, मोशन देर दे आर वेरी लॉन्ग टेल क्यों ताकि काउंटर बैलेंस हो सके जम्पिंग के टाइम पे एंड क्विकली अपने डायरेक्शन चेंज कर सके ओके दे ऑल्सो है towards a blind predator that in pursuit this is the behavioral adaptation now these are the animals now we will see the adaptation of plants in the desert area or in the terrestrial area aap sabne cactus dekha cactus mein kya hota hai pointed hote uh, hain needle-like stems होते हैं उसकी spines spines निकले हुए होते हैं क्यों क्योंकि तो वहाँ पे कैक्टस कहाँ ग्रो करता है राजस्थान के एरिया में डेजर्ट एरिया में ग्रो करता है एंड आप सब पता है डेजर्ट एरिया में वाटर कम से कम होता है जब डेजर्ट एरिया में वाटर कम है तो उन्हें वाटर लॉस कम से कम करना है ट्रांसफ्रेशन कम से कम करना है तो उनकी जो लीव्स होती है वो रिड्यूस रिड्यूस होती है स्पाइंस में स्पाइंस प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ़ लीव्स रिड्यूस सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया कम होगा वाटर लॉस कम से कम होगा ट्रांसफ्रेशन कम से कम होगा एंड वो बच जाएंगे जल्दी से डाई होने से नेक्स्ट उनके ऊपर थिक वैक्सी लेयरिंग ऑफ स्किन होती है वैक्सी मतलब थोड़ी ऑयली टाइप होती है जिससे वाटर लॉस कम होता है पोज के थ्रू उनका रूट सिस्टम बहुत दूर तक फैला होता है ताकि जहाँ जहाँ वाटर मिले वो वहाँ से कैच कर सके ओके नेक्स्ट लास्ट चेम्स है ताकि वो वाटर स्टोर कर सके मोर ओवर जो स्पाइन है होते हैं इनको प्रिडेटेड से भी हेल्प करने में हेल्प करते हैं दीज आर द देश इन कैक्टस प्लांट नाउ नेक्स्ट वी हैव एन एलोवेरा प्लांट वो है आप सबने देखा एलोवेरा अब एलोवेरा में भी क्या होता है फ्लैशी स्टेम्स होती हैं फ्लैश क्या करती हैं बेसिकली ये फ्लैश क्या करती हैं और उनके पास काटे होते हैं दिस इज यो एलोवेरा आपका एलोवेरा आप सबने देखा आपके घर पे एलोवेरा अब यहाँ पे पॉइंटेड एंड्स होते हैं क्यों क्योंकि लीव्स अगर होंगी डेजर्ट एरिया में ग्रो कराए अगर लीव्स होंगी तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि स्पाइंस डेवलप कर लिए सेकेंडली वैक्सीरिंग होती है ताकि वाटर लॉस भी रुके एंड उनको कोई ईजिली आउट ना कर सके नेक्स्ट वर्टिकल रूट्स बहुत लंबे होते ताकि वो सॉइल के अंदर तक जाए सो दैट वो ज़्यादा ज़्यादा वाटर को कैच कर सके नेक्स्ट प्रिकल्स होते हैं मतलब कांटेदार होते हैं सो दैट अगर कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल उनको हार्म करेगा तो अल्टीमेटली एनिमल खुद ही हार्म हो जाएगा ओके नो लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वाटर लॉस नहीं होता अब यहाँ पे क्या है बेसिकली ग्राउंड के ऊपर मतलब लैंड के ऊपर क्या अडाप्टेशन है लैंड के नीचे क्या अडाप्टेशन किया एलोवेरा या डेजर्ट प्लांट्स ने ऊपर पाइन ग्रो करा लिए और नीचे क्या किया वाटर स्टोर करने के लिए रूट्स को मॉडिफाई कर लिया ब्लब बना लिए ट्यूब्स बना लिए एंड रूट्स को स्प्रेड किया नीचे तक ओके ना दैट वॉजन स्नोडन स्नो लापर्ड ना स्नो लापर्ड विक वाइट फॉर्म फॉर क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा थंड से इट प्रोटेक्ट फॉर्म द कोल्ड सेकेंडली व्हाइट है तो स्नो के साथ ब्लेंड कर जाएगा तो ब्लेंडिंग इज योर कैमोफ्लेज। सो फर में पॉइंट मेक इट अ मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड नेक्स्ट लॉन्ग टेल है टेल क्या करेगा बैलेंस मेंटेन करेगा वाइल स्लीपिंग एंड वाइल चेंजिंग द डायरेक्शंस नेक्स्ट दे हैव अ शॉर्ट लेग्स लेग्स क्यों शॉर्ट हैं ताकि वो इजली क्लाइम कर सके इट इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइगर

ना तो पोलो भी है इज सेम दे हैव व्हाइट कलर फर ना व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फर दैट इट हेल्प्स इन कैमोफ्लेजिंग इन द एनवायरनमेंट इनवायमेंट एजे इन स्नो एरिया नेक्स्ट प्रिवेंटेड फ्रॉम द प्रे द्रीडेट स्मॉल राउंडेड नोज ब्लैक कलर की होती है स्मेलिंग द स्मेल ऑफ अ प्रे लॉन्ग क्लोज है ताकि वो स्प्रे को टीय कर सकें एंड स्नो में एज अ स्नो शू मूव करा सकें लार्ज फर है फ्री फीट है फॉर वॉकिंग ऑन आइस एंड स्नो स्मॉल टेल है ताकि बॉडी हीट ज्यादा जल्दी बाहर ना जाए एंड थिक फर फैट है थिक फर है बॉडी पे इट एक्ट के ब्लब जो बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकती है सो आई होप इन दिस वीडियो वी हैव सीन द एडाप्टन इन टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड दिस वीडियो इज क्लियर टू यू बट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो यू कैन कॉन्टैक्ट मी but now you want you have to do the work like you can draw the diagram also of the polar bear snow leopard yeah, tiger or you can write the word tiger and then make the columns uh, arrows and then write the content so that's all for today thank you and have a nice day